बड़ा कप है, मैंने पूरा मेजरमेंट बता दिया था कितना कितना डालना। इसने एकदम कुकिंग पैड वो आ गया है, तो उसको मैं लगा के देख रही हूँ। और ये गर्म इबड़ई, लपसी, कद्दू की सब्जी और आम। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? तो आज है गुरु पूर्णिमा, तो आप सभी को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। वैसे मैं तो कुछ करती नहीं हूँ, मेरी मतलब मेरी सास जो है, उनके जो गुरु जी थे जिनसे उन्होंने गुरु मंत्र लिया हुआ था, वो वहाँ जाया करती हैं दर्शन करने उनके। बट यहाँ पे तो कुछ ऐसा है नहीं, मैं बस पूजा कर लूँगी। और ये जो दाल आज बड़ई बनानी थी, तो ये दाल रात में मैंने नहीं भिगोई थी। वैसे ये गुनगुने पानी में डाल दो ना, थोड़ी देर में फूल जाती है, और रात में भिगो दो, इतनी भयानक गर्मी है, सड़ जाती है, इसलिए रात में नहीं डाली थी। और कल अचानक से तबीयत ख़राब हो गई थी इतनी ज़्यादा, मतलब पैरों में इतना दर्द हो रहा था, और मैं जल्दी कल लेट गई थी कि सो जाऊँगी। बट जो मेरे गले का दर्द है ना, वो इतना ज़्यादा हो रहा था कि मैं सो ही नहीं पाई, पूरी रात इधर उधर कर रही थी मैं बस। तो अभी मेरी बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही कि मैं कुछ भी करूँ। बट अभी सारे काम पड़े हैं, यहाँ बेड किचन सब फैला पड़ा हुआ है, तो मुझे करना है। और नाक समझ, आवाज़ से समझ में आ रहा होगा, मेरी नाक एकदम बंद हो रखी है। पैर का दर्द भी रात में इतना हो रहा था, मैं डर गई थी कि मेरे फिर से दर्द पे चालू हो गया। पैर में एक बार होना स्टार्ट हुए था, एक बार उधर समझ लेता है एक साल पहले, दो साल पहले, तो वो दर्द ना रात में ही होता था, और इतना ख़राब होता था कि मैं खड़ी नहीं हो पाती थी पैर में अपने, और सुबह एकदम दिन में ठीक हो गया। तो अब वही हुआ है, कल स्टार्ट हुआ अचानक से, बंद हो गया, और अभी बिल्कुल भी नहीं है। अब देखो रात में होता है कि नहीं होता, ना हो ज़्यादा अच्छा है, पता नहीं क्या हो रहा है। तो मैं अगर ये चाय बना के लाई हूँ, तो चाय रखी हुई है, चाय पीऊँगी, और फिर ये बेड वगैरह झाड़ू बगाड़ू ये सब करना है मेरे को। और आज सोची हूँ मार्केट भी चली जाऊँ, थोड़ा सब्जी मंडी आम वगैरह ले आऊँ, क्योंकि बेढ़ई के साथ आम अच्छे लगते हैं खाने में, तो वहाँ भी जाना है मुझे। तो मैं काम अपने स्टार्ट करूँगी, अब चाय पीने के बाद करूँगी। मैंने जो ऑर्डर किया था ना बैग वाला, ये हीटिंग पैड, वो आ गया है, तो उसको मैं लगा के देख रही हूँ, और ये गर्म हो रहा है। अब मैं जा रही हूँ खाना बनाने, लाइट है नहीं, आ रही है जा रही है, बनानी है बिढ़ई, जिसके लिए दाल पीसनी पड़ेगी। तो दाल को मिक्सी में ही पीसेगी, क्योंकि हाथ से मैं नहीं पीसने वाली। तो दाल भिगो दी थी और वो अच्छे से फूल गई है। तो मैं पहले क्या कर लूँ, कद्दू की सब्जी बना लूँ, और वो बना लूँगी क्या लपसी बना के रख दूँगी, और जैसे लाइट आएगी ना वैसे ही दाल वाल पीस के फिर क्या करूँगी, बना के रख दूँगी कि ना रखूँ, क्योंकि गर्म गर्म खाने में अच्छे लगते हैं, ठंडे हो जाएंगे तो अच्छे नहीं है। देखते क्या करते हैं जैसा होगा, क्योंकि बच्चे आते हैं उनको वही डेढ़ बज जाता है आने में, फिर बनाऊँगी बनाते बनाते दो बज जाएगा, देखती हूँ क्या करती हूँ। ये जोड़ी है मेरी कद्दू की सब्जी, और ये मैंने मसाला तैयार करने के लिए, क्या बोलते हैं जो मैं बनाने जा रही हूँ उसका नाम क्या, मैं भूल गई। तो ये इसमें ना खड़ी धनिया, जीरा और मेथी मैंने भून लिया है, और इसको लाइट नहीं आ रही है, पीसना है। तो अभी लाइट आएगी तो इसको पीस के पाउडर बना लूँगी। और ये है चने की दाल, जो मैंने सुबह अभी भिगोई थी, अच्छे से फूल गई है। और लहसुन, और इसमें दो ही मिर्ची डाल दी, ज़्यादा नहीं डाल दी, नहीं तो कड़ू हो जाएगा तो बच्चे नहीं खा पाएंगे फिर। ये बन गई है मेरी, पानी गरम गरम मेरे लग गया। तो ये बन गई है लपसी, बन गई है, थोड़ी ही बनाई है, ज़्यादा नहीं बनाई है, फालतू बर्बाद हो। और आटा भी मुझे लगाना है, और मैं ना लाइट का वेट कर रही हूँ कि आ जाए, पता नहीं आ रही है जा रही है, लुक छुप कर रही है, और बादल भी वैसे ही कर रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं। बरसना चाहिए हर साल ना, गुरु पूर्णिमा में पानी ज़रूर बरसता है, और कल से लग जाएगा सावन, तो बारिश तो होनी चाहिए। अब पता नहीं इस बार सूखा पड़ा जा रहा है, बारिश नहीं हो रही है, इधर नहीं हो रही है, बाकी का पता नहीं। तो लाइट का वेट कर रही हूँ, लाइट आ जाए तो मैं फटाफट दाल पीस के आटा लगा लूँगी, और सोच रही हूँ बना के रख दूँगी, नहीं बहुत तेज़ गर्मी हो जाती है फिर। तो
दिक्कत हो रही है, मेरी तबीयत भी धीरे धीरे ज़्यादा ख़राब हो रही है। मुझे लग रहा है कि जैसे बॉडी में धीरे धीरे पेन बढ़ रहा है, मेरे पैर में तो हो ही रहा है और बढ़ रहा है, तो मुझे लग रहा है कि मुझे बुखार आने वाला है। तो मैं बनाऊँगी, खाऊँगी और दवा खा के मैं सो जाऊँगी दोपहर में थोड़ी देर के लिए। तो गर्मी बहुत तेज़ है, हवा इतनी चल रही है, पेड़ इतने हिल रहे हैं, लेकिन एक भी हवा इधर साइड हमारे घर के अंदर नहीं आती है, जिससे सिर्फ पंखा चलाते रहो। बन गया है मेरा खाना, ये बढ़ई, लपसी, कद्दू की सब्जी और आम मैं खाऊंगी, बच्चे खा रहे हैं बैठ के। नहीं पियोगे दूध? फिर तू मलाई निकाल के पका लेना, पी लेना। अच्छा आज नहीं, कल तो खुले नहीं ले लेंगे क्या? तो मेरी तबीयत और ज्यादा खराब होती जा रही है। मैंने दोपहर में ना बुखार आ रहा था, मैंने दवा खा के लेट गई थी, नींद तो नहीं आई थी, मैं इधर उधर पड़ी हुई थी और पता नहीं उल्टे सीधे हल्की सी झपकी लगी थी जिसमें मैं उल्टे सीधे सपने देख रही थी। सो अभी मेरे बिल्कुल हिम्मत नहीं, आँखों से ऐसे झाग निकल रही है, नाक से गरम गरम हवा निकल रही है, मेरे पता नहीं हो यहाँ दाड़ों में भी दर्द हो रहा है और पूरी बॉडी में इतना पेन हो रहा है ना। मैं दवा ले आई थी जाके और अभी मैंने दवा खा ली है, तो थोड़ी देर में असर करेगी तो ठीक हो जाएगा। तो बेटू से मैंने चाय बनवाई है, बेटू मेरी चाय बना कर ला कर दी है मुझे, तो रखी है, अभी मैं पीऊँगी, देखूँगी बेटू ने चाय कैसे बनाई है। बेटू जब पापा होते हैं ना तभी चाय बनाती है, ऐसा नहीं बनाती, या फिर मैं बीमार हो जाऊँ तभी बनाती है। तो दोपहर में तो बढ़ई बनाई थी, अभी सब्जी रखी है, आटा रखा है, सब कुछ रखा है, तो देखते हैं क्या करते हैं, क्योंकि मेरी हिम्मत बिल्कुल नहीं हो रही है और मेरे को ना क्या कहते हैं खड़ा नहीं हुआ जा रहा। कल स्कूल जाना है, तो 5 बजे उठना, टिफिन बनाना और पैक करना और ले जाऊंगा। ऐसे बच्चे देखे हैं कभी जिनको छुट्टी नहीं लेनी? मतलब एक तो है खैर मेरे घर में, बट दूसरा जो है उसको छुट्टी नहीं लेनी, उसको स्कूल जाना है, मतलब जाना है स्कूल जाना है। हाँ मुझे कल प्रेयर कमांड करनी थी, मैं नहीं गई, मुझे सर डांटेंगे। अच्छा सर डांटेंगे इस वजह से? नहीं जाना, नहीं ऐसे भी जाना है क्योंकि इतना सारा कोर्स कराया जा रहा है, मेरा कोर्स छूट जाएगा और कल मैम को स्टैंड आउट भी करानी है। ठीक है, चाय बनाई है बेटू ने, इतना बड़ा कप है, मैंने पूरा मेजरमेंट बता दिया था कितना कितना डालना, इसने एकदम नीचे बनाई हुई है, 2-3 घूट हो गई है। भैया को मैं स्कूल जाने से पहले दवा पिलाई थी, क्योंकि उसी को पहले जुकाम बुखार हुआ था, उसी से मुझे भी हो जाता है ना, घर में एक को हो गया तो फिर सबको धीरे धीरे हो जाता है, तो मुझे भी हो गया। तो उसको ब्रेकफास्ट कराने के बाद ना मैं दवा खिला के भेजी ताकि स्कूल में उसको दिक्कत ना हो, बुखार उखार ना आए। फिर मैं अपना बेड वेड वगैरह सही करने में लग गई थी, ब्लैंकेट वगैरह जो फैले पड़े होते हैं ना, उनको बच्चों के रहते रहते आधा काम जितना जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है निपटा दो, तो फटाफट सारे काम हो जाते हैं, और थोड़ा सा मतलब बैठ जाओ ना कि अभी थोड़ी देर में कर रहे, तो फिर वो पड़ा ही रह जाता है काम। और ये बच्चों का आ गया था रिक्शे वाले, तो वो जा रहे हैं, तो बड़ा हो जाए भैया जल्दी से जाओ। ये जो बर्थडे में पीछे लगाए थे ना बैकग्राउंड में, ये गोल्डन कलर के फॉइल वाले जो होते हैं, तो इन्हीं को मैं फोल्ड करके रख रही थी कि अगली बार फिर किसी के बर्थडे में काम आ जाएंगे। क्या बार बार खरीदो, फिर एक बार यूज़ करके फेंक दो तो कोई मतलब नहीं होता, तो मैं इसको लगा के रख दूँगी ताकि अगली बार ये फिर से रीयूज़ हो जाएंगे। मैंने नाश्ता कर लिया था तो मैं यहाँ पे दवा खाने लगी थी अपनी, क्योंकि सुबह मैंने कहा पहले ही मैं नाश्ता करके दवा खा लूँ, नहीं तो कहीं फिर से बुखार ना चढ़ जाए, नहीं तो हालत ख़राब हो जाती है बुखार। दवा मैंने अपनी खा ली है, नाश्ता कर लिया था, दवा खा ली है, बच्चों को भेज दिया। आज भैया जाने के बिल्कुल भी मूड में नहीं था, वो उसने रात में बोल दिया था मैं नहीं जाऊँगा। सुबह मैं उठा रही थी, बेटू उठ गई, वो उठने को तैयार नहीं था, मम्मी आज नहीं जाऊँगा, आज नहीं जाऊँगा, पर मैंने फिर थोड़ी ज़बरदस्ती की, थोड़ी समझाया, फिर वो चला गया। तबीयत मेरी ख़राब थी पर छुट्टी वो मारने के चक्कर में था, तो भेज दिया उनको। तो वही अभी किचन फैला पड़ा हुआ है, किचन में मेरे नाश्ते वगैरह के बर्तन पड़े हुए, क्योंकि रात में जो बर्तन थे ना
मतलब दोपहर वाले वो सारे बेटू ने धोए थे, और रात में रोटी भी बेटू ने ही बनाई थी, सब्जी रखी हुई थी तो उसने रोटी बना दी थी, तो हम लोगों ने खा ली थी। क्योंकि कल मैंने दवा खाई थी लेकिन फिर भी मुझे कोई आराम नहीं मिल रहा था, मतलब वही समझ लो 2-2.5 घंटे बाद जब मुझे खूब तेज़ से पसीना आया, उसके बाद मेरा बुखार धीरे धीरे उतरा है, और इतना बॉडी में पेन, इतना बॉडी में पेन, मतलब बुखार सच में तोड़ देता है बॉडी को, तो बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। लेकिन फिर रात में थोड़ा ठीक हो गया था तो सो गई थी मैं आराम से। तो अभी नाश्ता हो गया है, मैंने कर लिया था, बच्चों को ब्रेड और चाय दी थी मैंने, और लंच में उनके पराठे वगैरह बना दिया था, तो वही मैंने भी खा के दवा भी खा ली, क्योंकि बुखार नहीं चढ़ना चाहिए भाई, हालत ख़राब हो जाती है। कल तो ऐसा लग रहा था पता नहीं कितना दिनों से मैं बीमार हूँ, मतलब इतना ज़्यादा गला अजीब सा हो गया एकदम, कल गले में खराश जैसी थी, और मेरे यहाँ ना इनमें दर्द हो रहा था दांतों में बहुत ज़्यादा, मतलब अजीब सा ऐसा लग रहा था बहुत उसे करूँ। सो अभी मैंने सोचा ये ब्लॉग मैं एंड कर दूँ, नहीं तो फिर ये पड़ा रहेगा, तो इसको मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। और अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, और चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूलिएगा, आप बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ऑल का नोटिफिकेशन भी क्लिक कर दीजिएगा, जैसे मेरे सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट वन।